गणेश नायक ने आज महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की और नवी मुंबई की विविध समस्याओं को लेकर चर्चा की। इनमें वार्ड संरचना, कोविड संक्रमण, वैक्सीनेशन और नागरिक समस्याओं से जुड़े मुद्दों का समावेश रहा। विधायक के साथ पूर्व मेयर सुधाकर सोनाव ने सागर नायक, जयवंत सुतार, दशरथ भगत एवं पूर्व सांसद संजीव नायक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। दिलेल्या सूचनांचं पालन न करण्याची प्रवृत्ती ह्या महापालिकेतल्या काही अधिकाऱ्यांमध्ये आहे। उच्च न्यायालयामध्ये ही बाब निश्चितपणे सांगितली। नुसती या रेक्टिफिकेशनसाठी आम्ही विनंती करणार नाही, ते यांच्यावर कारवाई करा असं मागणी करणार। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में नई वार्ड संरचना में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि हमने वार्ड संरचना में धांधली की आशंका जताते हुए पहले ही शिकायत की थी, फिर भी मनपा अधिकारियों ने सत्ताधारियों के इशारे पर वार्डों का मनमाना प्रारूप बनाया। उन्होंने कहा कि ऐरोली और बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग आबादी के अनुसार वार्डों की संरचना का पैमाना तय किया गया है, जो सरासर अन्याय है। गणेश नाइक ने चेतावनी दी कि बीजेपी ऐसी धांधली नहीं चलने देगी। डेमोक्रेसी में, लोकशाही तंत्र में सभी को एक ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। ऐरोली विभाग में 23,000 के प्रभाग बनाए हैं और इधर सीबीडी की ओर 30-31 ऐसे हजार के प्रारूप के माध्यम से प्रभाग बनाए हैं। ये सरासर कई लोगों पे अन्याय है। जो भी कोई वार्ड बढ़ेंगे वो खाली वो ऐरोली दिघा इलाके में बढ़ेंगे। इधर सीबीडी वासी सनपाड़ा इस इलाके में वार्ड नहीं बढ़ने वाले, तो उसके बारे में सजेशन ऑब्जेक्शन के माध्यम से इलेक्शन कमीशनर के साथ हमारे कार्यकर्ता अपनी तकरार तो करने वाले ही है, लेकिन हाईकोर्ट में जाने की तैयारी भी हमारे लोगों ने की है और वहां पे न्याय ले लेंगे। बताना जरूरी है कि नई वार्ड रचना के बाद अब नई मुंबई में 111 वार्डों की बजाय 122 वार्ड हो जाएंगे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि अधिकांश वार्ड ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं, जहां एक वार्ड में 21 से 25,000 की आबादी तय की गई है, जबकि बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में 27 और 31,000 की आबादी पर वार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी धांधली हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट के दखल के बाद न्याय मिल गया था। गणेश नाइक ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता वार्ड संरचना के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और धांधली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। आता है प्रारूप प्रभाग रचना जाहिर झाली, इलेक्शन कमिशनरला तक्रारी केल्यानंतर पुन्हा एक नवीन प्रारूप रचना करण्याचं ठरलं, तरी सुद्धा हा इतका गोंधळ केलेला आहे। मी यंत्रणेचं नाव घेतोय, जे अधिकारी हे प्रारूप प्रभाग रचना करण्याकरता ज्यांची नेमणूक झाली होती त्यांचं गणित कच्चं आहे का? एका परिसरामध्ये 23,000 प्रभाग आणि दुसरीकडे 25,000, 26,000, 28,000, 31,000 इतकं गणित न समजणारे इतके आम्ही बुद्धू नाहीत। ज्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांनी हा हलकटपणा केलेला आहे त्यांना त्यांच्या हलकटपणाची निश्चितपणे किंमत मोजावी लागेल। माननीय न्यायालयाच्या समोर आम्ही जाऊ आणि भविष्य काळामध्ये असे हे जे लोकशाहीचा खून करणारे जे अधिकारी आहेत यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी आपल्या माध्यमातून त्या अधिकाऱ्यांना सांगतो। तुम्ही केलेली पापं आहेत ना, ती कोर्टाच्या नजरेसमोर आम्ही आणणार आणि नुसतं ते का ते रेक्टिफाय करा सांगणार नाही, हे चुकीचं करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, यांची इन्क्वायरी करा आणि यांच्यावर कारवाई करा अशा प्रकारची मागणी आम्ही करणार। ब्युरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।